मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि ये एक किस्म का छलावा है, झूठ है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो दब रही हैं या उनको दबाया जा रहा है या उनकी तादाद कम हो रही है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उनका डेटा ऐसा कहता है। और दूसरा, उसके बाद उन्होंने कश्मीर की बात कही है, उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हमारा ये स्टैंड है, पूरे देश का स्टैंड है, सरकार का स्टैंड है कि हम 370 जब तक वापस नहीं लगा दी जाती है, जब तक पुराने हालात बहाल नहीं हो जाते, हम भारत के साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। देखिए सौरभ, ये जानबूझ करके झूठ बोला जा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर जितना इन 3-4 सालों में खुला है और जितना ओपन हुआ है और जितना वहाँ के लोगों ने आज़ादी की ज़िंदगी गुजारी है, पिछले 70-75 सालों में कभी नहीं गुजारी है। और मैं भी कश्मीर अभी गया था थोड़े दिन पहले, सारी चीज़ें बहुत करीब से देख करके आया हूँ। और मैं एक चीज़ ये अर्ज़ कर दूँ कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के मुसलमान किसी एक ने भी आज तक ये इच्छा जाहिर नहीं की होगी सौरभ कि हम यहाँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से परेशान हैं, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन है तो वो बताए, लेकिन हमारे मुल्क के पास वहाँ से हजारों माइनॉरिटी परिवार आ भी चुके हैं और इस तरह के किस्से भी आते रहते हैं। और जहाँ तक मैंने पूरी देखभाल वहाँ की है और सारी चीज़ों को समझा है सौरभ, बहुत अजीब सी एक बात यह है कि ये वहाँ पर माहौल इस तरह का क्रिएट किया जाता है और इस तरह का किरदार बनाया जाता है लोगों का कि वो वहाँ सिख बरादरी के लोग या हिंदू बरादरी के लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को मुआशी एतबार से तंग, यानी इक्तसादी एतबार से उनका दायरा तंग हो जाता है, उनकी लड़कियाँ ये लोग लेकर चले जाते हैं और उनकी दादागिरी वहाँ है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं। और ये किस सेकुलरता की बात कर रहे हैं? और बिलावल के मुंह से तो मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है सौरभ। इसलिए नहीं लग रही है कि बिलावल के जो नाना हैं उनको इन्हीं पाकिस्तान के लोगों ने फांसी दी है, बिलावल की माँ को इन्होंने शहीद किया या मारा है, जो भी कुछ ये मानते हैं उसको। लेकिन मैं उस बिलावल के मुंह से सेकुलर, जहाँ का मौलवी सेकुलर ना हो, जहाँ का पंडित सेकुलर ना हो, जहाँ के नेता सेकुलर ना हो और वो कट्टर धार्मिक लोग हों, वहाँ हक्कानी से लेकर के मुल्ला वो अजहरुद्दीन तक लोग क्या कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं पूरी दुनिया। और सरतन से जुदा की तहरीक खादिम हुसैन रिजवी देके गया है और इंडिया में हमारे हाथ साथ हुए हैं, पाकिस्तान ने एक लफ्ज नहीं बोला। अगर आज हम सैलाब पर मदद का हाथ भी बटाएं तो ये लोगों के सामने हमें जलील करना चाहते हैं। भाई अफगानिस्तान भी तो इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान की मदद भारत ने की है नहीं की, पूरी दुनिया ने देखा है। एक नंबर का अनाज दिया, बल्कि अफगानिस्तान का बयान आया कि पाकिस्तान ने हमें सड़ा हुआ अनाज दिया है और हिंदुस्तान ने अच्छा अनाज दिया है। तो मैं इन सब बातों को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर, ये सुनने को भी बहुत बेकार लग रही है कि वो किस सेकुलरता की बात कर रहे हैं, किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और इनके आमाल तो मैं एज ए मुस्लिम बता रहा हूं सौरभ, मुझे नहीं कहनी चाहिए टीवी पर ये बात, एज ए मैं इस्लामी स्कॉलर बता रहा हूं कि इनके आमाल इस कदर खराब है कि ये अजाब भी इनके लिए कम है। जो इनके जन संकट इनके ऊपर आया है ना, ये जल संकट और सैलाब आया, ये भी कम है इनके लिए। इनकी नीयतें कुछ हैं, इनकी जुबानें कुछ हैं। आज माइनॉरिटी, आप इंडिपेंडेंट सर्वे करा लीजिए, ना सिख पाकिस्तान में रहना चाहता है, ना क्रिश्चियन रहना चाहता है, ना हिंदू रहना चाहता है। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं, आज कश्मीर का मुसलमान, ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, कश्मीर से अगर दो एप्लीकेशन मंगा ले कि कश्मीर का मुसलमान इंडिया जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, ये झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर का मुसलमान इससे बात भी नहीं करनी चाहता। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट फराज साहब, खान साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ। पहले सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, लेना चाहते नहीं, मुफ्ती साहब सबसे पहले, तो मुफ्ती साहब, बिलावल भुट्टो हो, पाकिस्तान का कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, हर व्यक्ति जो है ये माहौल बनाने में तुला हुआ है पूरी दुनिया में कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज बहुत सताए जा रहे हैं, खास करके मुसलमान। तो जरा इसका एक ठोक करके जवाब जाना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि क्या भारत में इस्लामोफोबिया है, भारत फैसिस्ट है, भारत रेसिस्ट है। सौरभ मैंने बहुत ठोक करके बात कही है, हकीकत है सब कुछ। मैं ठोकर मैंने जो बात कही है, मेरी बात इतिहास में लिखने के काबिल है साहब, आपने बिल्कुल सौरभ मेरी बात इतिहास में लिखने के काबिल है। जिस कश्मीर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ 15 सेकंड में, इनकी बात सुनकर मुसलमान इनके पास जाना नहीं चाहता। मुफ्ती साहब फैक्ट्स की बात करें, मुफ्ती साहब पढ़ी लिखी फैक्ट्स की बात करें, आपने फतवे भी जारी कर दिया, आपने ये भी कर दिया कि जी पाकिस्तान में मुझे टाइम दीजिए शर्मा, ना तो फिर इंडिया में ज्यादा हुए हैं।
वहां जो जितने कोविड के हालात बदतर थे वो हमारे हाथ तो नहीं हुए, तो मैं कहूंगा कि आपने बात ही नहीं सुनी। अरे मैं कह रहा हूँ जिस कश्मीर की बात आप कर रहे हो कि 370 हटा लिया, वहां से एक मुसलमान आपके पास जाना नहीं चाहता और आपके यहाँ सिख नहीं देना चाहते, हिंदू नहीं देना चाहते, क्रिश्चियन नहीं। भाई आप माइनॉरिटी के साथ कर क्या रहे हो? अच्छा ठीक है, अच्छा सर एक एक करके खान साहब बोलिए, उसके बाद सिरसा साहब जवाब दीजिए। खान साहब मिल गया आपको भारत के मुसलमान का जवाब मिल गया? मैं बिल्कुल ये मुफ्ती साहब से ये कहूंगा, हिंदुस्तान से पहले मुसलमान बनिए, हिंदुस्तानी बनने से पहले मुसलमान बनिए। और अब मुझे बड़ी खुशियां बोल दिया खान साहब, ना 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 ना, यहीं पर यही दिक्कत है, यही दिक्कत पाकिस्तान को है, आपको हमसे प्रॉब्लम ही है कि हमारे हमारा हिंदू हो मुसलमानों सिख हो ईसाई हो, वो अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मानता है और आप टीवी में बैठकर मुफ्ती साहब को कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी बनने से पहले मुसलमान बनो। मुझे कब हिंदुस्तानी बनना है, कब मुसलमान बनना, मेरी से नहीं पूछूंगा। ये माइंडसेट एक्सपोज हुआ है आपका? अरे क्या सुनाना चाहते हो आप मुझे? मुफ्ती साहब एक मिनट, आप बोलते हैं मुफ्ती साहब एक मिनट, पक्के मुसलमान फिर कहेंगे कि बोलने नहीं दिया, पाकिस्तान से आए हमारे मेहमान हैं, हमने साथ एक मिनट बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बोलिए साफ नहीं है तुम्हारे अंदर, बोलिए पूरी बात सुन ले, बोलिए बोलिए। अभी स्टार्ट देखे हम स्टार्ट करते हैं तो आपकी चीखें निकलती है और ये मुझे, मैं बड़ा अच्छा लगता है, लीडर भी कलंक है, तुम्हारा देश भी कलंक है। मुफ्ती साहब प्लीज एक मिनट, मैं बात ये कर रहा हूँ, अभी 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 मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि जरदारी साहब के वालदा को, उनके नाना को मार दिया गया। मुझे ये बताएं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को किसने मारा? ये सियासी इश्यूज होते हैं, कुछ दहशतगर्द होते हैं, आपके मुल्क में भी है, हमारे मुल्क में भी है, तो इसको इसमें इस इशू पे मर लेके जाइए कि जी वो फॉरेन मिनिस्टर बन गया, उसके नाना को भी मार दिया उसके, हमारे यहाँ तो भाई साहब मुफ्ती साहब जरा होश के नाखून ले, यूट्यूब से बाहर निकले, इस्लाम की बात कर रही है, हमारे मुल्क करके करके जरा अभी खान साहब की आवाज नहीं, दहशतगर्दी का कैसे पता पड़ रही है? यहाँ आए दिन आप लोग दहशतगर्दी, आए दिन मैंने 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 स्टार्ट यही लिया था, आए दिन दहशतगर्दी आप लोग करते हैं, कभी अभिनंदन आता है, मुझे फूल फेंकने आता है मेरी सरहद पे, वो कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, क्यों गया था अभिनंदन हमारी सरहद में, क्यों गया था अभिनंदन? ताकतवर फौज, अरे सर क्यों जाना पड़ा था ये भी तो बताइए ना, क्यों जाना पड़ा था? आपने पहले यहाँ दहशतगर्दी के लिए वो आया था, वो दहशतगर्दी के लिए, वो दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी वो दहशतगर्दी का जवाब था और बहुत जोरदार जवाब मिला था आपको। नहीं पहले एक सेकंड, मैं तो पहले उसी बात पर आना चाहता हूँ जो अभी आपने कही, एक सेकंड, ये मुफ्ती साहब से कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी पहले नहीं, पहले मुसलमान बनिए, ये आप सिखाना चाहते हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि भारत में ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।